हाँ तो भाई साहब ये तस्वीर देख लो, नो बॉल पे पाकिस्तान के प्लेयर को आउट देकर चीटिंग करके मैच जितवाया गया इंडिया को। हाँ, पार्टनरशिप लगी हुई थी अब्दुल समद के बीच में और इस लड़का जो ये आउट हुआ था इसके बीच में पार्टनरशिप लगी हुई थी और ये मार रहा था, वहां पर एक नो बॉल आउट आ जाती है और वो कैच आउट हो जाता है, सीधी सीधी नो बॉल थी, लेकिन भाई इसको आउट दे दिया गया क्योंकि इंडिया टीम थी सामने। अब चाहे आईसीसी का टूर्नामेंट हो चाहे एसीसी का टूर्नामेंट हो, इंडिया की टीम हो ना भाई उसको फेवर जरूर दी जाती है, ये चीटिंग करके जरूर जीतते हैं। तो भाई अगर चीटिंग करके जीतना चाहते हो ना तो टॉस करके मैच खत्म कर दिया करो, जो टॉस जीते वो मैच जीते। क्या फायदा 2022 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश वाले मैच में चीटिंग, पाकिस्तान वाले मैच में दो बार चीटिंग, 2011 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर वर्सेस सईद अजमल चीटिंग, और वर्ल्ड कप 2023 में सारी फेवर इंडिया को। मतलब हमेशा चीट ही करते हैं ये लोग, इनको मतलब इज्जत के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी है। अच्छा दूसरी बात, हर्षित राणा ने कोहली को आउट किया था 2024 के आईपीएल में, कोहली बाहर खड़ा हुआ था, हर्षित राणा ने फुल टॉस दे दिया, कोहली ने उसको हाथ में कैच दे दिया, वहां पर नो बॉल नहीं दिया गया, वहां पर भी कोहली ने अपील की कि ये नो बॉल है, इतना बड़ा खिलाड़ी पिच से बाहर खड़ा होकर फुल टॉस खेल रहा है, पाकिस्तान के 2022 वाले मैच में एमसीजी में पिच से बाहर खड़ा होकर जो है कि छक्का मार रहा है वहां पे भी नो बॉल मांग रहा है, हर्षित राणा ने उसको आउट किया वहां पे भी नो बॉल मांग रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान वाले मैच में नो बॉल दिया गया क्योंकि वो इंडिया का मैच था, इंटरनेशनल था, और आईपीएल में उसको नो बॉल नहीं दिया गया क्योंकि वो इंटरनेशनल मैच नहीं था, वो एक डोमेस्टिक की लीग है, जो है कि हर्षित राणा भी इंडिया की तरफ से था, कोहली भी इंडिया की तरफ से था। ठीक है, अब ये जो है कि एमर्जिंग एशिया कप कल वाले मैच में लगा लो। अच्छा वो तो अच्छा हुआ कि फखर जमान जो बुमराह ने जो नो बॉल करवाया था 2017 के चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में, जो नो बॉल बुमराह ने करवाया था ना, अच्छा हुआ कि वो जो है कि बुमराह का पैर पूरा जो है कि बाहर था, लकीर से पूरा बाहर था, वो तकरीबन 2 इंच तक वो पैर जो है कि बाहर था लकीर से, इसीलिए वहां पे इनको चीटिंग करने का मौका नहीं मिला। अगर थोड़ा सा भी लकीर के करीब होता ना बुमराह का बॉल, उस दिन भी जो है कि ये कहते कि वो नो बॉल नहीं है, फखर जमा उस पे आउट था, बाद में वो 114 रन ठोक के चला गया, वहां पे इनको कोई मौका नहीं मिला। कल वाले मैच में अब्दुल समद और ये लड़का, इसका नाम मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा यार, ये खेल रहे थे, रन बना रहे थे और ये मैच पाकिस्तान के हक में आ गया था, मैच पाकिस्तान जीत रहा था, इनकी पार्टनरशिप टूटती है उस नो बॉल की वजह से, नो बॉल पे कैच हो जाता है और वो बाद में चेक किया जाता है नो बॉल है, उसको आउट दे दिया गया। मैंने कहा हैरान होने की कोई बात नहीं है भाई, ये हमेशा चीटिंग करते हैं, इतनी बड़ी इनकी टीम है, हर दूसरा आईसीसी का फाइनल इनकी टीम खेलती है, फिर भी इनको चीटिंग ही करनी है, फिर भी इनको दो नंबर ही करनी है। 2011 के वर्ल्ड कप में देखा था, मोहाली में मैच था, वर्ल्ड कप इंडिया में था, मैच भी इंडिया का था, पाकिस्तान था सामने, सचिन तेंदुलकर LBW होते हैं, सईद अजमल के बॉल पे उसको आउट नहीं दिया जाता, वो सचिन तेंदुलकर 85 रन बना देता है, इंडिया का मैच था, इंडिया में था। 2022 का T20 वर्ल्ड कप वर्सेस बांग्लादेश, बांग्लादेश का लिट्टन दास मार मार के जो है कि इंडिया के बॉलर्स का सुरमा बना दिया था, मैच बांग्लादेश जीत रहा था, बारिश हो जाती है, पिच खराब हो जाती है, उस पिच पे मैच करवाना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन सामने इंडिया टीम थी, हार रही थी, उसको सेमीफाइनल में जाना था, बाद में सेमीफाइनल में 10 विकेटों से हार जाते हैं, लेकिन बारिश की होने की वजह से वो पिच खराब हो जाती है, खराब पिच पे जो है कि मैच करवाया जाता है, फिर खराब अगर गीली पिच हो ना भाई, 10 बॉलों पे आप 5 रन भी नहीं बना सकते, फिर भले आपके पास 10 विकेटें पड़ी हों, 10 बॉल पे आपसे 5 रन भी नहीं बनेंगे अगर पिच गीला हो गया है। पिच गीला था, बांग्लादेश के जो कि प्लेयर ने वहाँ पे एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन वो बंगाली हैं बेचारे, यार तुम कहाँ पहुँच सकते हो, वो चीटर लोग हैं, उनके पास पैसा है, पैसा करके वो कुछ भी जो कि कर सकते हैं, वो बांग्लादेश वाले मैच में चीटिंग किया, वर्ल्ड कप 2023 में सारे फेवर जो है कि इंडिया टीम अपने लिए अपनी टीम को दे रही थी, वर्ल्ड कप 2024 में सारे फेवर इंडिया टीम को मिले, बाकी टीमें वहाँ भटक के मैच खेल रही हैं, इंडिया की टीम एक ही जो है कि स्टेडियम में मैच खेल रही है, तो ये सारा कुछ जो है कि बस ये भाई, दुनिया को पता है चीटर हो तुम लोग, दुनिया को पता है कि तुम लोग दो नंबरी करते हो, दो नंबर हो, तो इससे कुछ भी नहीं है। अब ACC का टूर्नामेंट और ICC का टूर्नामेंट आप बोलोगे कि यार वो ICC वालों का है, वो एशिया कप वालों का, इसमें BCCI का क्या, भाई BCCI जो है कि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड में सबसे ज़्यादा पैसा BCCI के पास है, पैसा फेंकते हैं लोग, बिक जाते हैं
और ये दो नंबरी करने पे आ जाते हैं। इंपायर खरीदे हुए हैं, इंपायर दो इंपायर को खरीदा हुआ है, मतलब सारे फेवर इंडिया को जाते हैं। फिर भाई आप क्रिकेट खेलते क्यों हो, आप जाके फुटबॉल खेल लो, आप जाके या फिर मैच से पहले टॉस में फैसला करवा दो, टॉस हो कर करवा दो, जिसमें ना नो बॉल का लांझा हो, ना ये ना इधर उधर, बस जो टॉस जीते उसका वर्ल्ड कप, जो टॉस जीते उसका मैच, ठीक है ना। ये चीटिंग करके आप लोग बस दुनिया को बताओगे कि आप एक गिरे हुए लोग हो और कुछ भी नहीं है।